सीज फायर वायलेशन हो रही है, घुसपैठ हो रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि इस समय जो कश्मीर के अंदर हालात हैं उसके फेवर में है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है। सीज फायर वायलेशन जब करता है तो उस वायलेशन के माध्यम से घुसपैठियों को भेजने की कोशिश करता है। इस समय वैली के अंदर सबसे ज़्यादा घुसपैठी हैं, लगभग 250 से 300, और वो और को भेजने की कोशिश कर रहा है। जब वो इस माफी की कार्रवाई करता है जो पिछले 1999 के बाद में छठी बारी है, तो उसकी कोशिश है कि खौफ पैदा करे। सरकार को कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। सबसे पहला कि हमको यकीन करना चाहिए कि हमारा सबसे बड़ा जो दुश्मन आज है वो आतंकवाद है, टेररिज्म और टेररिस्ट, उनको बर्बाद करना हमारा प्रायोरिटी नंबर वन होना चाहिए। दूसरा, अभी समय आ गया कि हम पाकिस्तान का नाम लें हर इंटरनेशनल फोरम में, और दुनिया को बिना घबराए, बिना कतराए, बिना शर्माए साफ तौर पे बोले कि पाकिस्तान इस माफिक की हरकत कर रहा है, और दुनिया को एकजुट होकर उसी माफिक पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करनी है जैसे ISI के खिलाफ हो रही है। तीसरा, अभी ज़रूर है कि हिंदुस्तान का पार्लियामेंट जो है एक रेजोल्यूशन पास करे जिसमें हम पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग स्टेट घोषित करें। हम अमेरिका को बोल रहे हैं, हम यूरोपियन यूनियन को बोल रहे हैं, UN सिक्योरिटी को काउंसिल को बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट घोषित करो। उसका सबसे ज़्यादा असर पाकिस्तान की यहाँ से टेररिज्म का हिंदुस्तान को हो रहा है और अफगानिस्तान को हो रहा है। तो पहल हमको करनी होगी। जब तक हम उसको टेररिस्ट स्टेट नहीं घोषित करते, कोई और नहीं करने वाला। जहाँ तक सेना का ताल्लुक है, हमने पिछली बारी जितनी बारी इस माफी कार्रवाई हुई है, ये छठी बारी हुई है, उसको इसकी सजा नहीं दी। वो सजा ऐसी होनी चाहिए कि कम से कम उसकी 10-15-20 बॉर्डर पोस्ट उसी समय बर्बाद कर दी जाए, और कम से कम 10 से 15 गुना ज़्यादा उसके सैनिकों को मारा जाए। अभी आप देखो तो एक तो इमीडिएट रिस्पांस हो गया था जिसमें हमने दोनों उसकी बॉर्डर पोस्ट को डिस्ट्रॉय किया, पाकिस्तान के 7 सैनिकों को मारा, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने फौज को फ्री हैंड भी दिया। ये फ्री हैंड केवल 4 बारी पहले दिया गया था, 65 में, 71 में, 99 में, फिर 2015 में प्रधानमंत्री जी ने देश को फ्री हैंड दिया था। अभी ये 5वीं बारी ये फ्री हैंड दिया, और सेना ने साफ तौर पे कहा है हम पनिशमेंट तो पाकिस्तान को ज़रूर देंगे, और काफ़ी कारगर पनिशमेंट होगी, लेकिन किस समय होगी, किस तरीके से होगी, कितने टारगेट पे होगी, कौन से हथियार से होगी, इसका हम जिक्र नहीं करेंगे।